तो भाई आज मेरी इस बात को कहीं पे भी लिख के रख लो कि आईपीएल 2024 में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस बार जो इससे पहले आईपीएल इतिहास में कभी भी ना हुआ हो। जी हां, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं, 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि आईपीएल 2024 में कुछ ऐसा होगा जो आईपीएल हिस्ट्री में अब तक कभी नहीं हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। देखो, आईपीएल 2024 को लेके जब से कोई भी गतिविधि होना शुरू हुई है ना कुछ ऐसा हो ही रहा है जो इससे पहले आईपीएल के 16 साल के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। इसकी सबसे पहली शुरुआत हो गई थी आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि कुछ ही महीने पहले जो आईपीएल 2024 का ऑक्शन हुआ उसमें ऐसी 7 चीजें देखने को मिली जो इससे पहले आईपीएल के 16 साल के इतिहास में नहीं हुई थी। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ था, तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने आईपीएल 2024 के ऑक्शन से ऐसी 7 चीजें रखने वाला हूं जो इससे पहले, जैसा मैंने कहा, आईपीएल हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखी गई। और वो 7 चीजों को जानने के बाद आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई सच में अब तो ऐसा ही लग रहा है कि आईपीएल 2024 के अंदर भी कुछ तो ऐसा होगा जो इससे पहले आईपीएल हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। मैं कब से कहता जा रहा हूं ना कि भाई इस बार मुझे लग रहा है कि आरसीबी अपनी पहली ट्रॉफी उठाएगी, तो वो भी भाई इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और भी बहुत चीजें देखने को मिल रही हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुई हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 में लंबे बालों के साथ दिखाई देंगे। अब लंबे बालों के साथ हमने एमएस धोनी को वैसे तो देखा है लेकिन आईपीएल खेलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जब साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब तक महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लंबे बालों को कट कर लिया था। तो लंबे बालों के साथ एमएस धोनी हमें पहली बार आईपीएल 2024 में देखेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसी बहुत सी चीजें होने वाली हैं आईपीएल 2024 के अंदर जो इससे पहले आईपीएल में कभी भी नहीं हुई। लेकिन आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि वो 7 चीजें कौन सी थी जो आईपीएल 2024 के ऑक्शन में पहली बार हुई। लेकिन इससे पहले कि हम उन 7 चीजों पे नजर डालें, आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन करने दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई WPL चल रही है और WPL से बेहतरीन मौका पैसा कमाने का भाई कोई नहीं हो सकता है। आईपीएल भी उससे बेहतरीन मौका नहीं है, क्योंकि भाई WPL में बहुत लोग यहां पे प्रेडिक्शंस करते नहीं हैं, बहुत लोग फैंटेसी टीम बनाते नहीं हैं, तो कंपटीशन बहुत कम होता है, इसीलिए जीतने की चांसेस कई गुना ज्यादा होती हैं। अगर आपको WPL को लेके बहुत चीजें ना पता हो कि भाई कौन ज्यादा रन मार रहा है, कौन ज्यादा विकेट ले रहा है, तो चिंता करने कोई बात ही नहीं है, यही तो काम है प्रिंस भाई का। आपको बस इतनी सी मेहनत करनी है, इतनी सी दिक्कत उठानी है कि सिर्फ जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को। वहां पे फ्री में सारी प्रेडिक्शंस आती हैं, उनको उठाना है, मस्त अपनी फैंटेसी टीम को बनाना है और भाई प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा कमाना है। अपन कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए। तो फाइनली अब हम नजर डालेंगे आईपीएल 2024 के ऑक्शन में घटी उन 7 चीजों पे जो इससे पहले आईपीएल इतिहास में किसी को भी कभी भी देखने को नहीं मिली। नंबर 1, इस पहले पॉइंट से आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली वाकिफ होंगे कि आईपीएल 2024 का ऑक्शन आईपीएल इतिहास का ऐसा पहला ऑक्शन था जो कि इंडिया के बाहर हुआ था, क्योंकि इससे पहले 16 साल के आईपीएल इतिहास में जितने भी ऑक्शंस हुए सारे के सारे इंडिया में हुए, लेकिन आईपीएल 2024 का ऑक्शन दुबई में हुआ था। यहां पे लगे हाथ में आपको यह भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आईपीएल 2024 का ऑक्शन 19 दिसंबर 2023 को दुबई के कोका कोला एरिना में हुआ था। पॉइंट नंबर 2, तो आईपीएल के 16 साल के इतिहास में आईपीएल 2024 के अंदर ऐसा पहली बार देखने को मिला कि ऑक्शनियर कोई मेल नहीं बल्कि फीमेल था। उनका नाम था नन अदर देन मलिका सागर, जो महाराष्ट्र में पैदा हुई और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया से उन्होंने हिस्ट्री में अपनी डिग्री कंप्लीट करी। मैं बता दूं कि सागर मल्लिका आईपीएल 2024 का ऑक्शन करने से पहले प्रो कबड्डी लीग और WPL का ऑक्शन भी ऑलरेडी कर चुकी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई महिला इस ऑक्शन की ऑक्शनियर थी। पॉइंट नंबर 3, आईपीएल 2024 के ऑक्शन में हमें ऐसा पहली बार देखने को मिला कि जब कोई बिड 20 करोड़ का मार्क क्रॉस कर गई। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि बिड 20 करोड़ के पार गई हो, लेकिन इस बार जैसा कि हम सब जानते हैं, जब पैट कमिंस की बारी आई, जब मिचेल स्टार्क की बारी आई, तो बिडिंग 20 करोड़ के
नंबर को क्रॉस कर गई थी। नंबर फोर, अब जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में ऐसा पहली बार हुआ जब बेड 20 करोड़ का मार्क क्रॉस कर गई, जिसका मतलब साफ है कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में ही हमें आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी देखने को मिला, जिनका नाम है मिचेल स्टार्क, जिनको केकेआर ने 24.75 करोड़ के प्राइस में अपनी टीम में शामिल कर लिया। वहीं पे इसी साल हमें सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी यहां पे देखने को मिला आईपीएल इतिहास का, जो कि थे पैट कमिंस, जिनको एसआरएच ने 20.50 करोड़ की प्राइस में अपनी टीम में शामिल कर लिया। नंबर 5, ये पॉइंट भाई सच में बहुत ही कमाल का है। क्या तुम्हें पता है कि आईपीएल 2024 का ऑक्शन ऐसा पहला ऑक्शन था आईपीएल इतिहास का जहां पेसर्स को स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। आईपीएल 2024 के ऑक्शन में पेसर्स पे टोटल कंबाइंड 154.5 करोड़ रुपए लुटाए गए, जो कि स्पिनर्स पे खर्च करे गए कंबाइंड टोटल का लगभग 2 गुना था। मतलब आसान भाषा में आप ये समझ जाइए कि जितना अमाउंट आईपीएल 2024 के ऑक्शन में ओवरऑल बॉलर्स पे खर्च करा गया, तो भाई लगभग 34% उसमें से स्पिनर्स पे खर्च करा गया और 66% जो पैसा था वो खर्च करा गया पेसर्स के ऊपर। नंबर 6, देखो आईपीएल 2024 के ऑक्शन में हमें आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर ही नहीं मिला, बल्कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे महंगा अनकैप्ड प्लेयर भी मिला। मैं बात कर रहा हूं समीर रिजवी की, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.4 करोड़ की प्राइस में अपनी टीम में शामिल करा। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये पंजाब के नाम था, जिन्होंने साल 2018 में वरुण चक्रवर्ती को 8.4 करोड़ की ही प्राइस में अपनी टीम में शामिल करा था। यानी अब समीर रिजवी और वरुण चक्रवर्ती दोनों ही इस रिकॉर्ड को साथ में होल्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्या है कि ये दोनों ही आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर हैं। अब देखो ये जो मैं आखिरी पॉइंट तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं, इसे बहुत ही ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। देखो इससे पहले आईपीएल के इतिहास में जिस प्लेयर के नाम लगातार 6 ऑक्शंस में सबसे ज्यादा कंबाइंड पैसा इकट्ठा करने का रिकॉर्ड था ना, वो कोई और नहीं, वो युवराज सिंह थे। एग्जांपल के साथ तुमको समझाता हूं। देखो आईपीएल 2011 के ऑक्शन में युवराज सिंह को पुणे वॉरियर्स इंडिया ने लगभग 8.28 करोड़ की प्राइस में अपनी टीम में शामिल करा। उसके बाद साल 2014 के आईपीएल सीजन में आरसीबी ने युवराज को 14 करोड़ में खरीदा। फिर साल 2015 में दिल्ली डेयर डेविल्स ने 16 करोड़ में युवराज सिंह को अपनी टीम में शामिल करा। फिर साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 करोड़ में युवराज सिंह को खरीदा। फिर साल 2018 में पंजाब ने 2 करोड़ में युवराज को खरीदा। और फिर साल 2019 में मुंबई इंडियंस ने 1 करोड़ में युवराज सिंह को अपनी टीम में शामिल कर लिया। मतलब लगातार जो 6 ऑक्शंस यहां पे हुए युवराज सिंह के, उसका जो कंबाइंड टोटल प्राइस यहां पे आया वो है 48.1 करोड़, जो कि अपने आप में एक आईपीएल का रिकॉर्ड हुआ करता था आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले तक। लेकिन आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जब पैट कमिंस को एसआरएच के द्वारा 20.5 करोड़ की प्राइस को उठाया जाता है, तो ये रिकॉर्ड पैट कमिंस के नाम हो जाता है। यानी पैट कमिंस के पिछले 6 ऑक्शंस की रकम को अगर हम टोटल कर दें तो वो टोटल जो निकल के आता है वो है 54.15 करोड़। युवराज का जो टोटल था लगातार 6 ऑक्शंस की रकम का वो था 48.1 करोड़, पर आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जैसा मैंने कहा ये जो जंग है ये पैट कमिंस जीत जाते हैं। मैं बता दूं कि पैट कमिंस के यहां पे जो 6 ऑक्शंस रहे हैं, पहले तो साल 2014 में उनको केकेआर ने खरीदा, फिर साल 2016 में दिल्ली ने खरीदा, फिर साल 2018 में मुंबई इंडियंस ने खरीदा, फिर साल 2020 में जैसा कि हम सब जानते हैं 15.5 करोड़ में केकेआर ने पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल करा था। फिर साल 2022 में 7.25 करोड़ की प्राइस पे केकेआर ने पैट कमिंस को खरीदा। और फिर साल 2024 में तो जैसा कि हम सब जानते हैं 20.5 की प्राइस पे एसआरएच ने पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल कर लिया। अब देखो वैसे तो मैंने तुमको उन 7 चीजों से परिचित करवा दिया है जो आईपीएल 2024 के ऑक्शन में हमें पहली बार देखने को मिली, लेकिन अभी लास्ट में जो मैंने तुमको पॉइंट बताया ना युवराज सिंह वर्सेस पैट कमिंस वाला, तो देखो कुछ लोग अगर इस पॉइंट की तहकीकात करने के लिए गूगल पे जाएंगे तो उन्हें देखने को मिलेगा कि यार पंजाब ने तो साल 2008 के ही ऑक्शन में युवराज सिंह को 4.25 करोड़ पे खरीदा था, वो तो तुमने यहां पे टोटल करा ही नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो साल 2008 का आईपीएल ऑक्शन था ये आईपीएल इतिहास का पहला ऑक्शन था, जो कि हुआ साल 2007 में था, लेकिन सीजन जो शुरू हुआ था आईपीएल का पहला वो साल 2008 में
में हुआ था, इसीलिए मैं उसको साल 2008 का ऑक्शन कह रहा हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि युवराज सिंह को पहले ऑक्शन में खरीदा नहीं गया था, उन पे कोई बोली नहीं लगी थी, उनको आईपीएल ऑक्शन शुरू होने से पहले ही असाइन कर दिया गया था पंजाब की टीम में, इसीलिए उसको हम ऑक्शन में काउंट नहीं करेंगे। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो मेरी बात से तो मैं बताना चाहूंगा भाई, जब आईपीएल इतिहास का पहला ऑक्शन हुआ था ना, तो 5 प्लेयरों की बोली नहीं लगी थी, उनको रिस्पेक्टिव टीम में असाइन कर दिया गया था। वो 5 प्लेयर्स कौन से थे वो भी मैं तुमको बता देता हूं। मुंबई को सचिन तेंदुलकर दे दिए गए थे, कोलकाता को सौरव गांगुली दे दिए गए थे, बेंगलोर को राहुल द्रविड़ दे दिए गए थे, पंजाब को युवराज सिंह दे दिए गए थे और दिल्ली को वीरेंद्र सहवाग दे दिए गए थे। मैं यहां पे ये भी बता दूं कि पहले वीरेंद्र सहवाग को नहीं सौंपा गया था दिल्ली को, लेकिन दिल्ली ने रिक्वेस्ट करी कि जब आप बाकी प्लेयरों को यहां पे असाइन कर रहे हैं तो हमें सहवाग दे दीजिए। वैसे लक्ष्मण को भी हैदराबाद को सौंप दिया गया था, लेकिन लक्ष्मण ने अपना नाम खींच लिया था। लक्ष्मण चाहते थे कि वो ऑक्शन में ही उतरे, ऑक्शन में ही उनको खरीदा जाए, ताकि ज्यादा पैसा यहां पे हैदराबाद उन पे ना लुटा दे। क्योंकि देखो यहां पे एक रूल था कि अगर कोई प्लेयर पहले असाइन कर दिया गया, जैसे कि गांगुली हो गए, द्रविड़ हो गए, सचिन हो गए, तो इन प्लेयरों को पता है कितना पैसा मिलना था, कि इनकी टीम में जो सबसे महंगा प्लेयर होगा उससे 15% ज्यादा अमाउंट इन पे खर्च करना ही करना होगा। इस शर्त पे इनको पहले से ही एक टीम दे दी गई थी। तो लक्ष्मण नहीं चाहते थे कि उन पे इतना पैसा खर्च करा जाए, क्योंकि वो जानते थे लंबा उनको खेलना नहीं है, ऐसे में वो ऑक्शन में उतरे, तो इसलिए उनको वो आइकन प्लेयर्स वाली लिस्ट में नहीं रखा गया। इस लिस्ट में 5 लोग ही शामिल हो पाए, सचिन, गांगुली, द्रविड़, युवराज और सहवाग। मतलब आसान भाषा में मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ ऐसी 2 टीमें थी जिन्होंने किसी भी आइकन प्लेयर को अपनी टीम में शामिल नहीं करा, एक थी चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी थी राजस्थान रॉयल्स, और यही दोनों टीमें थी जो आईपीएल के पहले सीजन में फाइनल भी खेली थी। मतलब इन दोनों टीमों ने कोई भी डिमांड नहीं रखी, इनको कोई भी प्लेयर या फिर कहें कोई भी बड़ा प्लेयर पहले से नहीं दिया गया, और यही लोग आखिर में साबित करते हैं कि भाई असल में बेस्ट टीम तो हमारी थी। क्या आपको ये सारी बात मालूम थी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से आईपीएल 2024 के ऑक्शन में ऐसी क्या एक चीज होगी जो आज तक आईपीएल हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई? हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है वो एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, गलती से भी भूलना मत, क्योंकि WPL जैसा मौका भाई पैसा कमाने का फिर नहीं आने वाला है। अभी जाओ जाके प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, फ्री में वहां से प्रेडिक्शंस उठाओ, प्रेडिक्शन उठा के मस्त फैंटेसी टीम बनाओ, प्रेडिक्शंस करके पैसा कमाओ। वीडियो पसंद आए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।